गोंडा में ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने गुरुवार देर रात पत्नी और दो मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए महिला के पास एक सुसाइड नोट भी छोड़ दिया। शुक्रवार सुबह पति से ही जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गहनता से पड़ताल की तो असलियत समझते देर नहीं लगी। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस का कहना है कि पति ओम प्रकाश दिल्ली में काम करता था। 5 दिन पहले ही वह घर लौटकर आया था। उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसने बताया कि दिल्ली से जब मैं उससे फ़ोन करता तो उसका फ़ोन बिजी जाता था। अवैध संबंधों को लेकर कल रात में भी उसका पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने पत्नी और बच्चों की भी हत्या कर दी। मामला खरगोपुर थाने से जुड़ा हुआ है, जहां देवरिया कला गांव के गुड्डू उर्फ ओम प्रकाश तिवारी की पत्नी कौशल्या अपनी 1 साल की बेटी ज्ञानवी और 4 वर्ष की बेटी जानवी के साथ सुबह घर में मृत अवस्था में पाई गई। महिला के पास से सुसाइड नोट भी मिला। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जब परिस्थितियों को देखा तो उन्हें तुरंत पूरा मामला समझ में आ गया। उन्होंने पति ओम प्रकाश को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ही रात में तीनों की गला दबाकर हत्या की है। जांच में पता चला है कि रात में गुड्डू का पत्नी कौशल्या से विवाद हुआ था।